ड्राइवर की वर्दी, ड्राइवर की यूनिफॉर्म को लेकर हमारे देश में शायद सबसे ज़्यादा चलान होते हैं ट्रक ड्राइवर्स के और बस ड्राइवर्स के या इवन कैब ड्राइवर्स के। तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं आज इस एपिसोड में। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आपका यूनिफॉर्म का चलान होता है वो सही है या गलत है, वो कानूनन किस कानून में लिखा है, कहाँ पर लिखा है, अगर वर्दी पहननी है तो कौन सी वर्दी पहननी है, तो सभी ट्रक ऑपरेटर, बस ऑपरेटर और कैब ऑपरेटर ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। हमारे जो आरटीओ हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये बहुत एक्सपर्ट हैं चलान करने में। अगर गाड़ी के सारे कागजात पूरे हों, गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी ना हो, ओवरलोड ना हो, माल का टैक्स के कागजात सारे हों, तो फिर इनको सोचना पड़ता है कि अब कौन सा चलान किया जाए। तो फिर चलान किया जाता है यूनिफॉर्म का, कि ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो ये बहुत कॉमन है और इसको लेकर हमें बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से मिलते रहते हैं। सवाल ये होते हैं कि अगर यूनिफॉर्म पहननी है तो कौन सी पहननी है। एक व्यूअर ने जैसे हमसे पूछा, उसने कहा कि अगर तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो कंपनी निर्धारित कर देती है कि ये आपको इस तरह की वर्दी पहननी है, बस के लिए, कैब के लिए, तो वो निर्धारित कर देते हैं। लेकिन मैं तो अकेला टैक्सी चलाता हूँ या मैं अकेला ट्रक चलाता हूँ, मैं अब कौन सी वर्दी पहनूँ, मुझे आज तक यही नहीं पता चला, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए। तो हमें भी बड़ी दिलचस्प लगी ये प्रॉब्लम, तो हम उसका सलूशन आज आपके लिए लेके आए हैं जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैब और बस चलाने वाले ड्राइवर्स की या कंडक्टर्स के लिए कौन सी वर्दी है, और फिर बाद में बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की। तो शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको जानने के लिए चेक किया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो उसमें हमने पाया कि सेक्शन 28 है, उसके अंतर्गत ये तो नहीं बताया गया कि यूनिफॉर्म कौन सी पहननी है, लेकिन उसमें राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा कि आप यूनिफॉर्म को लेकर नियम बना सकते हैं। कहने का मतलब राज्य सरकार, हर राज्य सरकार अलग अलग से ये नियम तय कर सकती है कि उसके राज्य में ड्राइवर कौन सी वर्दी पहनेगा, कौन से रंग की पहनेगा, कैसी पहनेगा। तो ये अधिकार सभी राज्यों के पास है। कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी खास वर्दी किसी के लिए भी तय नहीं की है। और सेक्शन 38 है, उसके अंदर भी सेम चीज़ है, उसमें कंडक्टर्स के लिए है कि कंडक्टर्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स कौन कौन कैसी वर्दी तय कर सकती है, ये उनके पास अधिकार है। तो उसके बाद हमने, अब हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमने 3-4 बड़े राज्यों के रूल चेक किए, नियम चेक किए कि उन्होंने क्या नियम बनाए हैं वर्दी को लेकर। तो हमने 4 राज्य देखे, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सबसे पहले तो पंजाब का बहुत दिलचस्प था, जो पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसमें, जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमने पाया उसमें, आज की डेट में यूनिफॉर्म को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया है। कहीं पर नहीं लिखा है कि ड्राइवर या कंडक्टर ये वाली वर्दी पहनेगा। हाँ, वहाँ पर ये लिखा है कि आरटीओ का स्टाफ या ट्रैफिक पुलिस कौन सी वर्दी पहनेगी, ये वहाँ पर है। तो उसके बाद हम पहुँचे दिल्ली, तो दिल्ली के मोटर व्हीकल रूल चेक किए, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में कैब और जो है बस ड्राइवर के बारे में, उनकी वर्दी के बारे में बताया गया है, तो वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। वहाँ पर लिखा है असल में शब्द पीएसवी, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, उनके जो चलाने वाले ड्राइवर या कंडक्टर हैं वो कौन सी वर्दी पहनेंगे। अब पीएसवी में आ जाती हैं मैक्सी कैब और बसेस वगैरह, जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आपको खाकी ड्रेस पहननी है, खाकी बुशर्ट और ट्राउज़र पैंट जिसको हम बोलते हैं। अब ये बुशर्ट क्या होती है, बुशर्ट होती है कि खाकी कॉटन की आप सवालें, या कॉटन हो या कोई भी कपड़ा हो, उसमें 2 पॉकेट्स लगी होती हैं जिसके अंदर, और ऐसे फ्लैप होता है, उसका ढक्कन होता है। तो वो जो शर्ट होती है, बाहरली साइड पैच लगे होते हैं जेब के, तो उसको बुशर्ट बोलते हैं। तो वो वाली बुशर्ट खाकी रंग की आपको पहननी है एज ए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों। और हिंदी में आपकी नेम प्लेट लगी होनी चाहिए इधर बाई पॉकेट के ऊपर, दिखना चाहिए आपका नाम हिंदी के अंदर लिखा होना चाहिए। इसी तरह के से कैब, अगर आप कैब ऑपरेटर हैं,
जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ अपनी कैब चलाते हैं, तो आपको खाकी ड्रेस पहननी है, सेम जो बस ड्राइवर के लिए वही आपके लिए है। और अगर आप टर्बन बांधते हैं मेरी तरह, तो खाकी रंग की आपको टर्बन बांधनी है, और अगर कैप लेनी है तो खाकी रंग की कैप भी लेनी है आपको। और इसके बाद बात करते हैं स्कूल बस की। स्कूल बस के लिए ग्रे जैकेट, सेम जो है वो ग्रे होना चाहिए, ग्रे रंग की आपको शर्ट पहननी है, ग्रे रंग की पैंट, और वही दो बाहर जो पॉकेट लगी होती हैं फ्लैप वाली वो आपको लगवानी है, वैसी आपको शर्ट बनवानी है। और इसके साथ ये भी लिखा है कि जो सरकारी बसेज हैं, जैसे DTC की बसेज हैं, अगर वो चलाते हैं आप, तो उसके केस में DTC तय करेगा कि आपको कौन सी वर्दी पहननी है, तो DTC आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी लगभग सेम है, जो भी दिल्ली में है वैसे ही खाकी ड्रेस पहननी है आपको, और कैब के लिए भी और जो है अपना बस के लिए भी पहननी है, खाकी ड्रेस है, और वैसे ही नेम प्लेट लगानी है, वहाँ पर नेम प्लेट जो है वो मराठी में होनी चाहिए, बस इतना डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद हमने राजस्थान के रूल्स चेक किए। राजस्थान में भी बिल्कुल सेम था कि खाकी बुशर्ट पहननी है, खाकी ट्राउज़र पहननी है आपको, और स्कूल बस के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया है, और कैब ऑपरेटर जो टैक्सी ऑपरेटर उनके लिए भी सेम है, खाकी टर्बन, खाकी कैप, खाकी शर्ट खास किस्म की जो पॉकेट्स वाली, और खाकी ट्राउज़र पैंट जो आपको पहननी है। यहाँ पर आप कोट भी पहन सकते हैं, अगर आपको कोट पहनना है तो कोट के चार पॉकेट्स होनी चाहिए, दो यहाँ पर दो नीचे यहाँ पर, तो वो भी बताया गया है, सेम फ्लैप वाली होनी चाहिए, जैसे कई बार हमने फौजियों के देखते हैं, सोल्जर्स के देखते हैं जैकेट्स पहनी होती है, उसी तरह की आपको चार पॉकेट वाला कोट पहनना है, अगर कोट नहीं पहनना है तो दो पॉकेट वाली शर्ट पहननी है, साथ में ट्राउज़र खाकी रंग की। तो ये राजस्थान के रूल है। कहने का मतलब जो बाकी अभी स्टेट छूट गई हैं, UP है, उड़ीसा है, तो आपको वहाँ के जो है मोटर व्हीकल रूल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो है अधिकार वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि आपको कौन सी वर्दी पहननी है। वैसे 90% से ज़्यादा खाकी ड्रेस ही है, अगर नहीं भी पता हो तो खाकी ड्रेस आप बनवा सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रक ड्राइवर, और यही है असली खबर, बहुत ही शॉकिंग खबर हमारे लिए भी। हमने मोटर व्हीकल एक्ट देखा देश का, सेंटर का, उसके बाद रूल्स देखे सेंटर के, उसके बाद ये चार राज्यों के हमने रूल्स चेक किए, कहीं पर भी ट्रक ड्राइवर के लिए कोई ड्रेस मेंशन ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है ट्रक ड्राइवर की वर्दी के लिए, और ये जो चार राज्य हमने चेक किए, ना ही इन्होंने कहीं पर भी, बना सकते हैं वो रूल लेकिन आज की डेट में नहीं बनाए हैं, ट्रक ड्राइवर की वर्दी का कोई रूल नहीं है, आपको मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो अगर हमारे हिसाब से अगर ये बताया ही नहीं गया है कि आपने कौन सी वर्दी पहननी है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आपने कुर्ता पजामा पहनना है तो वो भी आपकी ड्रेस है ना, तो आपका यूनिफॉर्म का चलान नहीं हो सकता है। हालांकि आपको राज्य का वो देख लेना चाहिए कि वहाँ पर हर राज्य का अलग से रूल देख लेना चाहिए। हमारा यहाँ पर एक और भी बात ये सामने निकल कर आती है कि इसका कारण हो सकता है, ट्रक ड्राइवर की असल में वर्दी होनी ही नहीं चाहिए और ना ही होगी, उसका कारण है, मान लीजिए पंजाब ने बोल दिया खाकी, है ना, हरियाणा ने बोल दिया गुलाबी, और दिल्ली ने बोल दिया सफ़ेद, तो जो एक ड्राइवर चलता है गाड़ी लेकर, वो तो 10-10 स्टेट पार कर जाता है, और अगर हर स्टेट का अलग अलग ड्रेस होगी, अलग अलग यूनिफॉर्म होगी, तो वो क्या बॉर्डर पर यूनिफॉर्म चेंज करता फिरेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, जो भी RTO, जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चलान करता है यूनिफॉर्म का, ट्रक ड्राइवर के केस में बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि सर बता दीजिए कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, और या अगर हिम्मत करें आपकी एसोसिएशन जो है वो कोर्ट जाएं, अगर चलान होते हैं हमने भी देखे हैं, तो आप वो चलान लेके कोर्ट जाइए, कोर्ट में उनको बोलिए जज को कि सर हमें तो जवाब देती नहीं है राज्य सरकार, आप हमें पूछकर बताएं कि हमें कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है। जब उनके रूल्स में नहीं है ट्रक ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म, तो आपका चलान कैसे हो सकता है। कई जगह तो चलान ना करके आपसे पैसे ले जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो डरा दिया आपको, इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आपको देखना है कि इससे कैसे बचना है। जहाँ तो उनको बोलिए साफ साफ कि हमें पता है, बेवकूफ़ मत बनाइए, कोई ऐसा नियम नहीं है
ट्रक्स के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, और जहाँ फिर अगर चलान हो जाता है तो उसे कोर्ट में जाइए, कोर्ट में ये सवाल कीजिए। तो आज की रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे यूनिफॉर्म के नाम पर आपके गलत चलान हो रहे हैं, और ये भी हमने समझा कि अगर यूनिफॉर्म पहननी है कैब ड्राइवर्स को और बस ड्राइवर्स को या कंडक्टर्स को तो कौन सी पहननी है। वो आपको ज़्यादातर खाकी ड्रेस है, फिर भी आप अपने राज्य के जो स्टेट रूल्स हैं उनको चेक कर लीजिए, अगर वो डिफरेंट कलर की है तो वैसी आपको पहननी है। लेकिन गलत चलानों से बचिए। गलत चलानों से बचने के दो ही तरीके हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन, जानकारी, जो हमारा दायित्व है, हमारी कोशिश रहती है ट्रांसपोर्ट टीवी पर कि हम आपको ऐसी जानकारी देते रहें जिससे आपका शोषण ना हो, जिससे आपके गलत चलान ना हो। अगर फिर भी होते हैं तो उसके बाद आपको लामबंद होना होगा, आपको संगठित होना होगा, आपकी जो एसोसिएशन है उनको एक्टिव होना होगा और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा या सरकार पर दबाव बनाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट जगत के ऐसे ही नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य ऑपरेटर भी देख सकें, इसलिए आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।